हेलो स्टूडेंट, हमने आर्थ्रोपोडा की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। आज हम आर्थ्रोपोडा की क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन में आप देखिए, फाइलम आर्थ्रोपोडा को थ्री सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, ट्राइलोबेटा, कैलिसिरेटा, मैंडिबुलेटा। उसकी जो क्लासेस हैं उनमें थोड़ा सा आपको चेंज दिखेगा, किसी में डिफरेंट क्लास दे रखी होगी। जैसे इसमें जिफोसूरा और अरिकनीडा जो है कैलिसिरेटा के अंदर दिया हुआ है। ऐसे ही मैंडिबुलेटा में क्रस्टेशियन है, क्रस्टेशिया है, चिलोपोडा है, डिप्लोपोडा है, एक्सापोडा है। तो हम इनको डिटेल में जो है देखते हैं। तो सब फाइलम है ट्राइलोबिटोमोर्फा, जिसको ट्राइलोबाइट्स बोल देते हैं। ये एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज है, ये हमें लिविंग कंडीशन में आज के टाइम पर नहीं मिलती है। हैड जिसको सेफलॉन भी बोल देते हैं, उसमें फाइव सेगमेंट्स होते हैं। वन पेयर ऑफ सेगमेंटी आप देखेंगे, यहाँ पे सेगमेंट प्रेजेंट है, सॉरी एंटीना प्रेजेंट है वन पेयर, और कंपाउंड आई जो है वो प्रेजेंट होती थी। ओवल शेप की बॉडी होती थी लेकिन फ्लैटेंड थी। आप देखेंगे फ्लैट है ये, जिसमें सेफलॉन जो कि हेड रीजन है, थोरेक्स है, और पाइजीडियम, पाइजीडियम जो कि पोस्टीरियर रीजन होता है, और ये सारे जो है सेगमेंटेड फॉर्म में होता था। इसकी जो डोर्सल सरफेस होती थी वो मोल्डेड होती थी लॉन्गिट्यूडनली इनटू लोब्स में। अब आप इसका ये डोर्सल सरफेस देखेंगे तो ये लॉन्गिट्यूडनली मोल्डेड है, ठीक है। ईच सेगमेंट में अ पेयर ऑफ सिमिलर ब्रांच्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते थे। आप देखेंगे हर एक सेगमेंट में ब्रांचेस अपेंडेजेस प्रेजेंट है। मैराइन होते थे ये, मैरीन में वाटर में मिलते थे। कैम्ब्रियन पीरियड के एंड में पैलियोजोइक ईरा के अंदर जो है इनके 4000 के आसपास जो है फॉसिल रिकॉर्ड हुए हैं। इसका एग्जांपल जो है ऑर्डोविशियन ट्राइलोबाइट्स जो है, जो कि अब एक्सटिंक्ट हो गया है, उसकी ये फॉसिल जो है वो आज भी देखने को मिलते हैं। सब फाइलम है चैलिसिरेटा, कैलिसिरेटा। ये कैलिसिरेटा के अंदर स्पाइडर, स्कॉर्पियन, माइट, स्टिक्स, हॉर्सशू क्रैब, सी स्पाइडर जैसे एनिमल देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक हमें ये स्पाइडर देखने को मिल रहा है और ये स्कॉर्पियन दिख रहा है। ये टेरिस्ट्रियल होते हैं, प्रीडेटर भी होते हैं और पैरासाइट भी हो सकते हैं। इनके अंदर 8 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स है, आप ये देखेंगे 4 4 8 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स हैं। अपेंडेजेस जो कि जिसको हम कैलिसिरेई फॉर ग्रास्पिंग प्रे, आप देखेंगे इसकी जो अपेंडिज पिंसर लाइक हो जाते हैं, अपनी जो प्रे को ग्रास्प करने में हेल्प करते हैं। पॉइजनस फैंग होते हैं, प्रे को पकड़ते हैं और पॉइजन जो उनमें डालते हैं, जिसके कारण वो जो है मर जाते हैं। नो मैंडिबल, मैग्जिली और एंटीनी, किसी तरह के आपको इनके अंदर मैंडिबल नहीं दिखाई दे रहे, मैग्जिली दिखाई नहीं दे रहे और एंटीनी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और सिर्फ दो बॉडी सेगमेंट होते हैं, आप देख सकते हैं ये सेफेलोथोरेक्स है और ये एब्डोमन है। सब फाइलम जो हमारा चैलिसिरेटा है, कैलिसिरेटा, उसके अंदर क्लासेस हैं मीरोस्टोमेटा, सबसे पहला जो आप देख रहे हैं। तो जो मीरोस्टोमेटा है इनके अंदर क्लास के अंदर सिंपल और कंपाउंड आई जो है वो देखने को मिलती है, जो कि पेयर में प्रेजेंट होती है। और पिस्तोसोमा जो है उसको मीजोसोमा विथ 5 to 6 पेयर ऑफ लेमिली फॉर्म लीफ लाइक बायरमिस अपेंडिजेस, आप देखेंगे ये वाला हिस्सा जो है पिस्तोसोमा है, जिसमें मीजोसोमा ये रीजन है। मीजोसोमा के अंदर आप ये देखेंगे ये 6 पेयर ऑफ जो है वो लैमिली फॉर्म लीफ लाइक आपको बायरेमस, जिसमें हमने बताया था ना एक होता है यूनिरेमस जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, ये ब्रांच्ड होते हैं ये आप देखेंगे, जिसके कारण इसकी लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। 6 पेयर ऑफ जो 5 to 6 पेयर ऑफ जो है लैमिलीफॉर्म लीफ लाइक बायरेमस अपेंडेजेस होते हैं, और ये वाला जो है ये कहलाता है मेटासोमा, जिसमें कोई अपेंडेजेस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन कुछ के अंदर आप देखेंगे स्पाइन लाइक टेल्सन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, मैरीन भी हो सकते हैं,
और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। इनके अंदर बुक गिल प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण ये ब्रैंकियल रेस्पिरेशन को करते हैं। इस क्लास के अंदर जो है एक्सटिंक्ट स्पीसीज जो है वो देखने को मिलती है, यूरीटेरिड्स। ये यूरीटेरिड्स हैं जिनको जैकल पेटरस स्पीसीज, जैकलोस पेटरस स्पीसीज बोल देते हैं। और लिविंग जो है जीफोसुरान, जो कि हॉर्स शूज क्रैब बोल देते हैं। उनका अपर सरफेस जो है उसमें प्रोसोमा इज कवर्ड बाय सेमी सर्कुलर और हॉर्स शू शेप कैरापेस से कवर्ड होता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे लिमुलस हमने लास्ट पहले पेज में देखा था, लिमुलस था, कार्सिनोस्कॉर्पियस था और ये ट्रैकी प्लियस है। ये यूरिप्टेरस है जो कि एक्सटिंक्ट स्पीसीज है। ठीक है, ये इसका फॉसिल दिख रहा है आपको और ये जो है इसका इस तरह का स्ट्रक्चर जो है इनके अंदर होता था। सब फाइलम कैलिसिरेटा जिसकी क्लास है एरिकनिडा, इसमें बॉडी जो है दो पार्ट में डिवाइड होती है, स्फेलोथोरेक्स और एब्डोमन। आप देखेंगे स्फेलोथोरेक्स, ये एब्डोमन। स्फेलोथोरेक्स में टू पेयर ऑफ ज्वाइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं और ये फोर पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट होती है। आई जो होती है वो सेसाइल होती है, यूजली सिंपल आई होती है, कंपाउंड आई जो है नहीं होती। रेस्पिरेशन थ्रू ट्रेकिया और बुक लंग की तरह हो सकता है। हार्ट ट्यूबुलर होता है, सेक्स सेपरेट होते हैं जैसे कि बुथस स्पीसीज हैं, स्कॉर्पियन जो आप देखते हैं, नेफिलिया स्पाइडर की स्पीसीज हैं, हीमोफाइलेस, टिक, एक्रस, माइट, ऑपियंस जो है हार्वेस्ट मैन। ये जो है पिक्चर जो है ये हार्वेस्ट मैन जो है दिखाई दे रही है। सब फाइलम कैलिसिरेटा क्लास पिक्नोग्निड्स, यहाँ पर ये जो होते हैं इनको पेंटापोडा बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि ऑल लेग। मेरीन होते हैं, स्पाइडर लाइक एनिमल होते हैं और इनकी बॉडी भी स्फेलोथोरेक्स जिसको प्रोसोमा भी कह सकते हैं और रूडिमेंट्री एब्डोमन और ओपिस्थोसोमा। ये देखेंगे आप इसका एब्डोमन और ये जो है इसका सिफेलोथोरेक्स रीजन है। सिफेलोथोरेक्स रीजन में फोर डोर्सल सिंपल आई होती हैं, फोर पेयर ऑफ अपेंडिजेस होते हैं जिनमें से फर्स्ट टू पेयर जो है वो ये कैलिफोर्स होते हैं जो कि कैलिकुलेटेड होते हैं और ये पाल्पी कहलाते हैं। ठीक है, और रेस्ट जो है वो वॉकिंग लेग का काम करते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि ये जो पेयर हैं ये वॉकिंग लेग का काम नहीं कर रहे, ये एक तरह से पिंसर लाइक हैं, पकड़ने का काम करते हैं, ग्रास्प करने का काम करते हैं, बाकी जो है ये वॉकिंग लेग्स होती हैं। एंटीरियर एंड पे देखेंगे स्नाउट लाइक जो प्रोसेस दिखाई देता है जिसके ऊपर माउथ प्रेजेंट होता है और फोर प्रोजेक्शन बियरिंग क्लास होती है। इनके अंदर कोई भी रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है, हार्ट ट्यूबुलर होता है विथ टू और थ्री पेयर ऑफ ओस्टिया। एग्जाम्पल जो है ये है पिक्नोगोनियम जो कि सी स्पाइडर बोलते हैं इनको। सब फाइलम मैंडिबुलेट, अब ये हमारा जो है थर्ड फाइलम मैंडिबुलेटा है। मैंडिबुलेटा जैसे इसका नाम भी बता रहा है कि जिनके अंदर मैंडिबल प्रेजेंट होते हैं जो कि बाइटिंग का काम करते हैं, कटिंग का काम करते हैं और फूड को होल्डिंग का भी काम करते हैं। और इसमें बहुत कंसीडर करेंगे आप इंसेक्ट आते हैं, क्रस्टेशियन आते हैं, मिलीपीड हैं, सेंटीपीड्स हैं। मैंडिबुलेटा जो है अगर उसको कैनोमार्फा जो कि हमने अरेक्नेड्स पढ़े हैं, ट्राइलोबाइट्स पढ़े, उनको कंबाइंड फॉर्म में बोल देते हैं अरेक्नोमोर्फा। ठीक है, उनके अंदर जो पिंसर लाइक माउथ पार्ट थे जिनको हमने कैलिसिरेई बोला था वो होते हैं जो कि हमने बताया ग्रास्पिंग का काम करते हैं, पकड़ने का, होल्डिंग का काम करते हैं, उनके अंदर मैंडिबल नहीं होते। अब यहाँ पर मैंडिबुलेटा है तो अब इनकी मॉडिफिकेशन हो गई कि इनके अंदर जो है कैलिसिरेई जो है वो नहीं होंगे, मैंडिबल जो है वो प्रेजेंट होंगे। इसकी फोर क्लासेस हैं, क्रस्टेशिया, चिलोपोडा, डिप्लोपोडा और इंसेक्टा। अब आप देखेंगे जो मैंडिबुलेटा की क्लास चिलोपोडा है जिसमें सेंटीपीड्स आते हैं, हमने स्पेसिमन भी देखा था, इलोंगेटेड होते हैं, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं।
आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए सेंटीपीड और मिलीपीड के बीच में। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा, जो इलोंगेटेड होते हैं ये, और ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती हैं, और अ पेयर ऑफ लॉन्ग फिलीफॉर्म, आप ध्यान रखो लॉन्ग है, थिन एंटेनी जो है वो प्रेजेंट होते हैं, अ पेयर ऑफ मैंडिबल प्रेजेंट होते हैं, टू पेयर ऑफ मैक्सिलरी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर देखेंगे आपको एंटेनी भी दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर ये मैंडिबल भी दिख रहे हैं और मैक्सिलरी भी जो है वो दिखाई देंगे, ठीक है। ट्रंक विद मैनी सोमाइट, मतलब कि सेगमेंट जो है आप ट्रंक रीजन में देखेंगे बहुत ज्यादा होते हैं, और हरेक के ऊपर वन पेयर ऑफ लेग प्रेजेंट होती है। अपेंडेजेस जो है फर्स्ट ट्रंक सेगमेंट मोडिफाइड इनटू प्रीहेंसाइल ग्रास्पिंग क्लॉज और पिंसर, जो पहला जो अपेंडेजेस जो है ट्रंक रीजन के अंदर, जो कि हमने बताया बहुत सारे सेगमेंट हैं, जो फर्स्ट सेगमेंट है वो मोडिफाई हो जाता है ग्रास्पिंग के लिए, और उसमें क्या है क्लॉ या पिंसर जो है प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं फोर्सिप्यूल्स। आई अगर प्रेजेंट है तो कंपाउंड आई होगी विदाउट ट्रू विजन, ठीक है, और एब्सेंट, बहुत सारी स्पीसीज ऐसी है जिनके अंदर आई एब्सेंट होती है। ये सॉइल के अंदर रहते हैं, बार्क और लोग के या कोई स्टोन है उसके नीचे रहते हैं, यूजली ये प्रीडेटरी होते हैं और मोस्टली विनोमस होते हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल है इसका स्कोलोपेंड्रा। अब सेकेंड जो हमारी क्लास है मैंडिबुलेटा की, वो है डिप्लोपोडा। अब इसमें देखो मिलीपेड्स हैं, ये ट्यूब लाइक है, देखो वो फ्लैटेंड थे, डोर्सो मेंटली फ्लैटेंड थे, अब ये ट्यूब लाइक हैं। इनके अंदर हेड और ट्रंक के बीच में डिस्टिंक्शन होता है, और ये मोर देन 100 सेगमेंट के, उसमें भी सेगमेंट होते हैं लेकिन इसमें भी सेगमेंट ज्यादा होते हैं। अब इसके अंदर क्या डिफरेंस है, जो प्रेजेंस ऑफ डबल ट्रंक सेगमेंट, डबल ट्रंक सेगमेंट जब दो सेगमेंट आपस में फ्यूज होकर एक सिंगल सेगमेंट बना लें, उसको बोलते हैं डिप्लो सेगमेंट। अब आप कैसे कह सकते हैं कि ये दो फ्यूज हुए थे, क्योंकि उसके अंदर जहां डिप्लो सेगमेंट होंगे वहां पर टू पेयर ऑफ लेग होंगी, क्योंकि एक सेगमेंट पे वन पेयर ऑफ लेग है और दूसरे सेगमेंट पे भी वन पेयर ऑफ लेग है, उनके बीच में फ्यूजन हो गया, इसको बोलते हैं डिप्लो सेगमेंट, जिसके कारण टू पेयर ऑफ लेग्स जो है वो प्रेजेंट होती है। सिर्फ जो डिप्लो सेगमेंट्स होते हैं उनके अंदर टू पेयर ऑफ लेग्स होती हैं। एंटनी जो है इसमें आप देखेंगे क्लब शेप है और सेवन सेगमेंटेड होता है। आई जो है यहाँ पर सिंपल है, हमने देखा था सेंटीपीड में आई या तो प्रेजेंट होती हैं, कोई नॉर्मल विजन नहीं, या मोस्टली एब्सेंट होती है, यहाँ पर सिंपल आई है, और फ्लैट लेंस ओसिली जो है वो ओसिलाई जो है अरेंज्ड होते हैं इन्हें ग्रुप और पैच, जिसको ओसिलेरिया बोलते हैं, ऑन ईच साइड ऑफ हेड। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हेड है, इसके यहाँ पर आपको ये सिंपल आई जो है ग्रुप में दिखाई देती है ऐसे पैच। अ पेयर ऑफ मैंडिबल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और मैक्सिलरी भी प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट ट्रंक सेगमेंट इज एपोडस, जो पहला ट्रंक सेगमेंट होता है वो एपोडस होता है, जिसके ऊपर आपको कोई भी फीट जो है अपेंडेजेस जो है वो दिखाई नहीं देती। स्लो मूविंग होता है, लिव इन लीफ, जो लीफ लिटर नीचे पत्ते गिर जाते हैं उनके नीचे, डेड वुड के नीचे, सॉयल जो कि ह्यूमिड कंडीशन में रहते हैं। डेट्रिवर्स होते हैं मोस्टली, सम फीड ऑन फंजाई एंड प्लांट फ्लूइड, अ फ्यू आर प्रीडेटरी भी होते हैं, एग्जाम्पल है जूलस। आप देखेंगे हर एक सेगमेंट की टू पेयर ऑफ लेग्स जो है वो दिखाई दे रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने बताया मोर देन 100 सेगमेंट होते हैं, तो आप देखिए लेग्स कितनी होते हैं, और फिर भी ये बहुत स्लो मूविंग एनिमल होता है। नेक्स्ट जो क्लास है मैंडिबुलेटा की, दैट इज इंसेक्टा, सबसे बड़ी क्लास होती है। यहाँ पर जो एनिमल है उनके हेक्सापोडा है, 6 लेग्स होती हैं, 3 पेयर ऑफ लेग्स जो है देखने को मिलती हैं, हेड थॉरेक्स और एब्डोमन में प्रॉपरली डिवाइड होते हैं, 3
जो थोरेसिक रीजन है उसके ऊपर जो है थ्री पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट होती हैं। हेड पे आप देखेंगे वन पेयर ऑफ एंटीनी प्रेजेंट हैं, वन पेयर मैंडिबल प्रेजेंट होते हैं और टू पेयर ऑफ मैक्सिली प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंस ऑफ वन और टू पेयर ऑफ विंग्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये जो लेडी बर्ड है और ये हाउस फ्लाई जो है हम देखते हैं। हर एक सेगमेंट के अंदर फोर बेसिक रीजन होते हैं। जैसे हमने जब मार्फोलॉजिकल करेक्टर पढ़े थे उसमें बताया था डोर्सल सरफेस को टर्गम बोलते हैं, लेटरल जो रीजन होते हैं उनको प्लूरा बोलते हैं और जो वेंट्रल सरफेस होता है उसको स्टर्नम बोलते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं लिपिस्मा है, सिल्वर फिश जो कि नॉर्मली आप अपनी बुक्स में देखते हैं, जो बुक्स शेल्फ है उसमें आप देखेंगे जो पुरानी बुक्स होती हैं वहाँ पर ये काफ़ी इजीली दिख जाते हैं। पोड्यूरा है, स्प्रिंग टेल, विंगलेस होते हैं ये। मस्का डोमेस्टिका जो आपकी हाउस फ्लाई है, एपिस बॉम्बेस मैरी है, फाइलियम लीफ इंसेक्ट होते हैं जो लीफ लाइक दिखाई देते हैं, ठीक है। और गैसनूला है, ग्रास होपर हमारे जो होते हैं, ये प्लाज्मेटोडिया जो कि स्टिक इंसेक्ट, ये प्लाज्मिडा जो है इनके ऊपर आप देखेंगे बिल्कुल स्टिक जैसे ये दिखाई देते हैं। कोकिसिनेला जो है वो लेडी बर्ड बीटल जो है वो हमने पीछे देखा, एनेक्स जो कि ड्रैगन फ्लाई जैसे हमें इस तरह के बहुत सारे इंसेक्ट हैं जो कि इंसेक्टा के अंदर आते हैं। और फिर है सब फाइलम मैंडिबुलेटा का क्लास है क्रस्टेशियन। ये बॉडी जो है सिक्स सेगमेंटेड होती हैं, हेड थोरेक्स और एब्डोमन में डिवाइडेड होती है। मोस्ट केसेस के अंदर जो थोरेसिक सेगमेंट होता है वो फ्यूज हो जाता है विद हेड जिसके कारण वो बना देता है सेफेलो थोरेक्स रीजन। हेड के अंदर टू कंपाउंड आई प्रेजेंट होती हैं, टू पेयर ऑफ एंटीनी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलता है, वन पेयर ऑफ मैक्सिलरी मैंडिबल और टू पेयर ऑफ मैक्सिली होती हैं, वन पेयर ऑफ मैंडिली होती हैं, टू पेयर ऑफ एंटीनी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ये पेयर ऑफ ग्रीन ग्लैंड जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, वेस्ट जो है एक्सक्रीट करते हैं और ये एंटीनी के जो एंटीना है उसके बेस पर प्रेजेंट होते हैं। स्विमिंग अपेंडेजेस होते हैं। अब यहाँ पर आपको पता है जो लेग्स हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं स्विमिंग में हेल्प करते हैं। बायरेमस सेगमेंटेड होते हैं, एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन होता है। हार्ट मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, ब्लड जो है वेसल्स में फ्लो करता है इनटू साइनसिस में। नर्वस सिस्टम जो है प्रिमिटिव, वेंट्रल नर्व कोड एंड गैंग्लिया सिस्टम होता है। हंटिंग जो है ये करते हैं, यूनिक लार्वल स्टेज देखने को मिलती है नोपिलस और विद हेड अपेंडेज फॉर स्पेन। जो लार्वा स्टेज है वो यूनिक है इसके अंदर, जिसके अंदर हेड अपेंडेजेस जो कि स्विमिंग में हेल्प करते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये लार्वल स्टेज जो है यूनिक होती है। एग्जाम्पल इसके आप देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ लोबस्टर्स हैं, क्रैब्स हैं, देखेंगे क्रैब जो हैं डिफरेंट शेप और मॉर्फोलॉजी के दिखाई दे रहे हैं। स्क्विड जो हैं वो भी आप देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्विड जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। श्रिम्प्स हैं, बर्नेकल्स हैं, क्रिल हैं, ये सब जो हैं हमारे क्रस्टेशिया के अंदर आते हैं। तो ये हमारा पार्ट था क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा। थैंक यू।